सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एचआर के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको आंसर की आंसर कैसे चेक करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे आपके पास पांच ऑप्शन है। ये जो चूजन ऑप्शन है ये जिसके जिसने पेपर दिया है उसका आंसर है, हो सकता है ये सही भी हो किसी में गलत भी हो, तो इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। सब्सक्राइब करें हमारे, यहाँ पे आपके पास देखिए ये जो आपके चारों ऑप्शन है इनको एक नंबर दिया है, यहाँ पे हर ऑप्शन का एक नंबर है और इस क्वेश्चन का भी एक नंबर है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया और ये चार जो है ये आपकी आंसर के क्वेश्चन आंसर जो उसमें ऑप्शन है उसके नंबर है। इसको जब आंसर की में आप जाएंगे तो आपको ये नंबर तलाश करना होगा, ये वाला देखिए कि आंसर की में क्या है, और उसके बाद इनमें से कोई एक ही वहां पे दिया होगा। अब इनमें से जो भी होगा, जैसे इनमें से जो नंबर भी होगा तो वहां पे मैच करके 1 2 3 में से आपका कोई भी ABCD में ऑप्शन होगा। तो आंसर की डिटेल मैं बता दूं कि आंसर की में एक तरफ आपके क्वेश्चन नंबर है टोटल, हर क्वेश्चन का वहां पे आपको ये नंबर नहीं मिलेगा, आपको ये सारे नंबर मिलेंगे हर क्वेश्चन के सिर्फ एक, और उसके सामने जो राइट आंसर है इनमें से जो राइट होगा उसका, जैसे मान लीजिए कि इसका आंसर ये है तो ये वाला नंबर इस क्वेश्चन के सामने इस नंबर के सामने लिखा होगा तो वो आपका आंसर है। इस तरह से आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, और यही थोड़ा सा इसमें डिटेल ज्यादा है क्योंकि बहुत बार आपको ऊपर नीचे और जाना पड़ेगा, तो आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा आंसर की भी डाउनलोड करिए, और उसके बाद आराम से इसको आंसर की से मैच करके पहले क्वेश्चन यहाँ पे जो भी है उसको आप टिक कर सकते हैं। तो जो आपकी आंसर की है इसके यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आईडी और ये करेक्ट ऑप्शन है, तो इस तरह से आपकी यहाँ पे ये जो आपके क्वेश्चन है उसके नंबर है और ये उसका जो उनमें से किसी एक ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है उसका यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर से यहाँ पे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आपको आईडी देखनी होगी 1282069। आप लास्ट वाला जो ये थर्ड है ना, लास्ट के थ्री जो नंबर है वो देखिए उससे मैच कर सकते हैं, और आंसर में भी लास्ट के थ्री को ही मैच कीजिएगा, आपको आसानी होगी इसमें। तो लास्ट थ्री यहाँ पे जैसे मैं इस क्वेश्चन को देखूँ 478, इसमें आते ही आपको एक सीरीज मिलेगी। लास्ट वाला देखिए 454343, ये 4949, तो 478 है, मैंने जैसे कि वहाँ पे उस क्वेश्चन का, तो 478 आते हैं। यहाँ पे देखिए ये लास्ट में इसके 478 है, आप चाहें तो एक बार ये मैच कर ले, लेकिन यहाँ तक सब लगभग सेम है, तो 478 और इसके लास्ट में जो ये दिया इसके सामने ये इसका राइट आंसर है, तो इस राइट आंसर में यहाँ पे 461। तो अब आप क्वेश्चन पेपर में जाएंगे, यहाँ पे देखिए इनमें से 461 कौन है, तो 461 ये थर्ड वाला है, तो ये आपका राइट आंसर है, यानी कि सी जयदेव। इस तरह से आप आंसर की चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप पेपर को देखिए पूरे डिटेल में देखिए, उसके बाद उसको सेक्शन वाइज कीजिए कि किस किस एरिया से आ रहा है, किस ऑप्शन से आ रहा है, कौन कौन से ऑप्शन है, कहाँ कहाँ से किस एरिया पे ज्यादा ध्यान दिया है। आप बाइक पेपर जो है सारे वो बाइक पेपर देखिए 2 3 4 साल के, और उससे आप तैयारी कर सकते हैं आराम से, जिसके भी हो ग्रेजुएशन के हैं तो उसके जो है, तो ग्रेजुएशन का कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, वो सेम है, और दूसरे सब्जेक्ट है उनका जो था सब्जेक्टिव से अब ऑब्जेक्टिव हो गया, लेकिन आपको पढ़ना लगभग वही है, तो इस तरह से आंसर की आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये उसके बाद ये सारे जो क्वेश्चन है वो उसके थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में आप आंसर की भी अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और क्वेश्चन और आंसर के साथ में आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी। तो यही इस वीडियो में बताना था। थैंक फॉर वॉचिंग, अच्छे से तैयारी कीजिए और बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन।